डॉ वॉज माई नी रिप्लेसमेंट सर्जरी सक्सेसफुल यह सबसे पहला क्वेश्चन पूछते हैं पेशेंट और पेशेंट के फैमिली मेंबर सर्जरी के बाद हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम डॉक्टर पंकज है एंड आई ए हिप एंड नी रिप्लेसमेंट सर्जन इन न्यू डेली इंडिया इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू सिंप्लीफाई फाइव अर्ली साइंस टू नो दैट यूर नी रिप्लेसमेंट वॉज सक्सेसफुल सो लेट्स डाइव इन साइन नंबर वन कंफर्टेबली बेंडिंग एंड एक्सटेंडिंग योर नी इसका क्या मतलब की नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद आप आराम से अपनी नी को कुछ डिग्री तक मोड़ सकते हैं और अपने नी को कंप्लीटली सीधा कर सकते हैं जिसका मतलब है कि आपके नी की जो बैक साइड है वो आपके बिस्तर को टच होती है इफ यू हैव गुड मूवमेंट अराउंड योर नी विद इन फ्यू आवर्स ऑफ द सर्जरी देन इट इज ए वेरी गुड साइन साइन नंबर टू इज गुड पोस्ट ऑपरेटिव एक्सरे इसका क्या मतलब है की एक्सरे के अंदर आपकी नी रिप्लेसमेंट की इम्प्लांट की पोजिशनिंग बहुत अच्छी है जिसमें हम ये देखते हैं कि

पेशेंट्स को सर्जरी के तीन से चार घंटे में ही वेट बेरिंग करा देते हैं यानी कि उनको पूरा वजन डाल के चलवा देते हैं इसमें हमारी फिजियोथेरेपी टीम पेशेंट को बहुत मदद करती है पेशेंट यूजअली सपोर्ट लेके चलते हैं शुरू में और धीरे धीरे एज दे फील मोर कॉन्फिडेंट उनकी सपोर्ट को हम हटा देते हैं ट यूर एबल टू डू स्टेयर कंफर्टेबली यूजली सर्जरी के चौबीस से अड़तालीस घंटे के अंदर हम अपने पेशेंट्स को स्टेयर क्लाइंबिंग की ट्रेनिंग देते हैं हमारी फिजियो टीम पेशेंट्स को सीढ़ियों तक लेके जाती है चला के और उसके बाद उनको ट्रेन करती है कि कैसे उनको ऊपर चढ़ना है और कैसे उनको नीचे उतरना है अगर आप वो भी कंफर्टेबली कर पा रहे हैं तो इट इज ए वेरी वेरी गुड साइन जनरली वो पेशेंट जो सर्जरी के पहले स्टेयर नहीं कर पा रहे थे उनके लिए ये माइल स्टोन अचीव करना मुश्किल होता है और उनको इस चीज में चिंता करने की बात नहीं है पर वो पेशेंट जो सर्जरी के पहले स्टेप्स ले पा रहे